हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पिजन फार्म हरियाणा में। तो भाई आजकल कबूतरों में जो है वायरस चला हुआ भाई, जिसकी वजह से कबूतर बीमार हो जाते हैं और सुस्त बैठ जाते हैं। तो भाई ये इंजेक्शन है, एक R2B के नाम से इंजेक्शन है। जिस किसी भाई के कबूतरों में बीमारी आई हुई हो तो भाई ये इंजेक्शन लगाने का तरीका बता रहे हैं। और ये परदेसी भाई है, अपने कबूतरों को इंजेक्शन लगाने लग रहे हैं। अगर किसी भाई को, किसी के भाई के कबूतरों में बीमारी है या किसी और भाई को कुछ नॉलेज लेनी है वायरस के बारे में, जिसकी वजह से आजकल कबूतर बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो वो भाई मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं उस भाई को दवाई बता दूंगा और साथ में दवाई मैं यहाँ पर शेयर भी करने लग रहा हूँ। तो भाई जिस किसी भाई को भाई ज़रूरत है तो वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है भाई, और कुछ पूछना हो कबूतरों से रिलेटेड तो वो भाई मेरे से पूछ सकता है भाई। लगनी टांग में भैया, इंजेक्शन लगा रख दिया, ऐसे रख लेते इसको, ऐसे ऐसे छोड़ दे भी। कबूतर की बना रही है, वैक्सीन है भाई ये R2B। ये कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, वैक्सीन लगाई रख दी। रखनी बर्फ में भाई, यह ध्यान रखना है बर्फ में ही रखना है इसको, बर्फ में नहीं रखें काम नहीं करेगी। 1.5 घंटे वैक्सीन यूज में रहती है, 1.5 घंटे के बाद हो जाती है ख़राब। एक नर को मादा को एक ही इंजेक्शन लगेगा, और ये जैसे इसके निशान है, ये 5 निशान लगाने हैं, 1, 2, 3, 4 इधर देख ले रहे, इसमें दिखना चाहिए, ये 5 निशान लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये डंडे वाले।